भगवान करे कि जिंदगी में तू जान बन के आ जाए तू। अरे ये क्या कर रहा है लड़का, जो है दिल्ली में था वहां से वापस आ गया, ये वीडियो कुछ ही तो बना रहा है, बिहार के लिए यही होता है। तो माँ का रिएक्शन क्या था वीडियो वायरल होने के बाद और फिर घर वालों का सपोर्ट? देखिए मुझे लाइफ में कभी भी जॉब नहीं करना था, फैमिलीज में खाली था स्पॉट जिसको सारे लोग बैठ के और देख पाए एक साथ, ऐसा अभी भोजपुरी में खाली था। तो मेरा शुरू से विजन था, मुझे टारगेट करना था उस चीज, मैं भी इस साल वेब सीरीज करूं, फिल्म भी करूं और वही फिल्म में फिर वही। आपका फेवरेट कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? मुझे पवन सिंह के हमारे खातिर तो हो रहा है के दुनिया में भैया ले पा रहे, वो वही गाएंगे जो उनको पसंद है। भाई हार्ट पवन सिंह को भी अच्छे ही गाने पसंद है, उनके टॉप फाइव के लिस्ट में देखिएगा तो एक भी अश्लील गाना नहीं होगा जो उन्होंने गाया है। खेसारी लाल यादव के भी टॉप फाइव के लिस्ट में तो मजबूरी है ना भैया। 2020 के स्टार्टिंग में बिहार का एक लड़का मजबूरी में कोरोना आने की वजह से दिल्ली से बिहार वापस चला जाता है और तमाम अपने सपनों को नहीं पूरा होते हुए देखने लग जाता है, लेकिन अचानक एक वीडियो क्रिएट करता है अपनी माँ के साथ ही और देखते देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है और यहीं से उस लड़के की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और हमारे साथ वही लड़का है, प्यार से इनको मिंटुआ कहा जाता है, लेकिन असली नाम क्या है? मेरा असली नाम मिंटू है वैसे। और सर्टिफिकेट पे प्रणय नाम है। प्रणय नाम है। चेहरे को आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा इनके कंटेंट को, फैमिली महिलाएं बड़े प्यार से जो है देखती है, शेयर करती है और बिहार में प्रॉपर काम कर रहे हैं, भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली से आप आए, वहाँ लैंग्वेज अलग था, कल्चर अलग था, बिहार में एक तो आप वापस आए और फिर से आपने हिम्मत कैसे कर लिया कि अब भोजपुरी के लिए कंटेंट करेंगे? मैं दिल्ली में थिएटर करता था वहाँ पे, तो थिएटर एक्टिंग सीखता भी था। तो कोरोना में जब मैं घर आया तो यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत क्रेज था, मतलब दिल्ली में भी था बट मैं उतना ध्यान नहीं देता था, यहाँ पे क्रेज बहुत ज्यादा था। तो मैंने टिकटॉक एक एप्लीकेशन आता था उस टाइम पे चाइनीज, तो उसपे मैंने स्टार्ट किया था बनाना, पहला वीडियो बनाया माँ के साथ, वो वायरल हुआ था, मतलब उसपे व्यूज था लगभग 1.5 मिलियन का, जिसकी अभी हमने चर्चा की स्टार्टिंग में, 15 लाख पर फर्स्ट वीडियो व्यू था, तो मुझे मोटिवेशन मिल गया और फिर तब से हम लोग ने बनाना स्टार्ट किया और कभी पीछे मुड़ के नहीं। तो प्रॉपर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आपने कहा कि अचानक से आए और वीडियो एक बना दिए, तो जब एक प्रॉपर प्लानिंग ना हो और आपकी कदम आगे बढ़ जाए तो फिर बहुत सारा परेशानी होता है, फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़े, कैसे इसको जो है और ग्रो इसको करवाएं, तो वो कैसे फिर आपने किया? और जब पहला वीडियो वायरल हो गया तो माँ ने भी बेशक जो है उस टाइम तो नहीं सोचा होगा कि हमारा ये वीडियो जो बेटा बना रहा है वायरल हो जाएगा। वायरल हो गए होंगे तो रिलेशनशिप वाले लोगों का रिप्लाई आया होगा, अरे ये क्या कर रहा है लड़का, जो है दिल्ली में था वहां से वापस आ गया, ये वीडियो कुछ ही तो बना रहा है, बिहार के लिए यही होता है। तो माँ का रिएक्शन क्या था वीडियो वायरल होने के बाद और फिर घर वालों का सपोर्ट कैसे आपको जो है आपने लिया? देखिए माँ मेरी माँ और पापा, पापा मेरे नाटक में ये करते थे गाँव में। अच्छा, बैकग्राउंड था आपका? नहीं नहीं, सरस्वती पूजा जो होता था ना, तो उसमें मेरे पापा एक्टिंग किया करते थे और माँ मेरी शास्त्रीय संगीत सीखी हुई, मेरे पापा टीचिंग लाइन में है, तो उन लोगों का साथ था, मतलब आर्टिस्टिक फैमिली है, तो वहां से मुझे सपोर्ट ही मिला है कभी। और मेरे रिलेटिव भी जितने हैं किसी ने भी कभी भी मेरी बुराई नहीं की है इसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग से ही सारे मेरे सपोर्ट में थे। तो आस पड़ोस जैसे गांव में कभी या फिर कोई जो जिसको प्रॉब्लम हो वो कभी कभी बोलता था, तो उस पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे क्योंकि हम लोग माइंडसेट में पहले क्लियर थे कि क्या क्या होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली से जब वापस आ रहे थे उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? उस समय तो यही था कि लॉकडाउन का टाइम था, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, तो निराश होंगे, हताश होंगे और जिस सपने को देख रहे होंगे उसको टूटते हुए भी आपको फील हो रहा होगा कि नहीं, तो आशावादी थे ना हम लोग, फिर लॉकडाउन मुझे लग रहा था लॉकडाउन हटेगा फिर मैं जाऊंगा। अच्छा जाएंगे। तब आप जो है पहला वीडियो जब आपका वायरल हो गया उस वक्त क्या चलने लग गया मन में, क्या फिर से उस वक्त तो आपको प्लानिंग हो गया होगा कि अब जो है यही करना है, यही करना है, दिल्ली वापस नहीं जाना है, ऐसा कुछ? पहला वीडियो मेरा वायरल हुआ तो कॉल आए, तब मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये डिफरेंट है कुछ अलग, मतलब क्योंकि कंटेंट उस टाइम में भोजपुरी में कुछ लोग थे बनाते थे लेकिन मतलब ज्यादा संख्या नहीं, चलन में नहीं था कंटेंट भोजपुरी में, नदिया के पार के वक्त से ही बनते आया है, अच्छे अच्छे कंटेंट है लेकिन उस समय चलन में नहीं था, आपने जो है एक नया लकीर खींचने का प्रयास किया और लोगों का इतना ध्यान गया उसके ऊपर, फिर मुझे क्लियर हो गया कि मुझे यही करना है, कंटेंट बनाना, कंटेंट जो मैंने सीखा है। लेकिन सवाल फिर इसी से बनता है कि जब चलन में जो चीज ना रहे उसको एक लड़का नया नया आके कैसे चुन लेता है, फिर बहुत सारा बाधा होगा, बहुत सारा डर होगा मन में कि फेल हो जाएंगे, तो फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से जहां तक मुझे पता है आप है, तो अगर फेल हो जाते तब क्या होता? देखिए मुझे लाइफ में कभी भी जॉब नहीं करना था,
मेरा क्लियर था 3-4 साल पहले जॉब नहीं करना कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो ना मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है कभी और ना मैं जॉब करने का सोचता था। मैं सोचता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, एक्ट करूंगा, अगर ये नहीं हो पाता है तो मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन जॉब नहीं करूंगा किसी के पास। ये मेरा शुरू से ही सोचता, इसलिए कि मैंने पढ़ा था, जैसे बड़े बड़े लोगों को पढ़ा था, तो उसमें मैंने निष्कर्ष निकाला था कि मुझे जॉब नहीं करना है। तो और ये चल गया, और ये नहीं भी चलता या फिर चलने के बाद आज भी बंद हो जाए तो मैं कुछ फिर कुछ नया करूंगा, लेकिन इसी लाइन में रहेंगे, इसी लाइन में। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने तय कर लिया है कि मुझे यही काम करना है, जितना बार फेल होंगे उतना बार रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब जो है भोजपुरी पे आते हैं, चूंकि आपने जो फील्ड चुना है, आप भोजपुरी में कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारा बाधा है, बहुत सारा यहाँ पे गंदगी, जाहिर सी बात है कि एक इन्वर्स होता है किसी भी चीज का, तो भोजपुरी का जो इन्वर्स है वहाँ पे चलता है, चोली के पीछे क्या है, ढोरी लिपस्टिक से आगे लोग बढ़ नहीं पाते हैं, नहीं बढ़ पाते। तो फिर आप कैसे जो है अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखते हैं? मेरा शुरू से सोच था कि मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे क्लियर था कुछ कुछ चीज कि मुझे उसको ऑडियंस बनाना है जो ऑडियंस नहीं है इन सब चीजों का, जैसे परिवार, फैमिलीज वगैरह इन सब की ऑडियंस नहीं थी। ये लड़के थे गांव में, चाहे मतलब जो एक नहीं ऑडियंस तो कहीं ना कहीं, अगर कोई गाना जो है 200 मिलियन जा रहा है, 300 मिलियन जा रहा है, तो ये फैमिलीज नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा है, ये डीजे है, समझे, ये मतलब सारे यूथ नहीं कहूंगा, 50-60% यूथ है, ये माँ के सामने कोई गाना नहीं बजा रहा है, ये सारा मतलब ज्यादातर घरों में मुझे जैसा लगता है कि माँ के सामने ये सब गाने नहीं बज रहे, ये कान में अकेले बज रहे हैं या फिर ये डीजे उजे अपना जो पार्टी वार्टी कर रहे हैं उसमें बज रहे हैं। फैमिलीज में खाली था स्पॉट जिसको सारे लोग बैठ के और देख पाए एक साथ, ऐसा अभी भोजपुरी में खाली था। तो मेरा शुरू से विजन था, मुझे टारगेट करना था उस चीज को कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसको सारा फैमिली एक साथ बैठ के देख पाए, चाहे बेटा माँ को शेयर करे, माँ बेटा को शेयर करे, तो उसमें मेरी जीत होगी। तो आप तो अब तो फेमस हो गए हैं, आप दिल्ली वाले दोस्त कॉल करते हैं कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कुछ दोस्त करते हैं, क्या रिएक्शन होता है? मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे चले गए थे स्ट्रगल करने, और मैं आ गया था यहाँ पे, तो कॉल आता है तो मतलब अच्छा लगता है। हाँ, वो बड़ाई करते होंगे भाई, तुम्हारी तो किस्मत है, वो भी बताते हैं कि मेरा दोस्त है। मुझे मतलब मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से कॉल आती है कि नहीं? क्योंकि भोजपुरी में काम वगैरह के लिए कभी आया? हाँ, काम के लिए आया, अभी फिल्मों के लिए भी आ रहे हैं। और तो फिर उनके पास तो भोजपुरी का जो कल्चर है फिर आपको वही करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा काम नहीं मिलेगी? नहीं चाहिए मुझे, मुझे पता है कि एज ए क्रिएटर जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है, अगर मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है ऐसा कि भोजपुरी फिल्मों से ज्यादा लोग मेरे कंटेंट देख लेते हैं। अच्छा, देखिए आप जिस जो काम कर रहे हैं, इस काम में भी अब इस तरह का जो है माहौल बन गया है कि आप एक क्रिएटर हैं, तो मुझे जहां तक पता है कि किसी गाली का प्रयोग करके या कुछ वैसे फुहर शब्दों का प्रयोग करके किसी को जल्दी इंटरटेन किया जा सकता है, और हो भी रहा है यहाँ बिहार में, क्रिएटर वैसे है भी जो गाली और फुहर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आप इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो ज्यादा टफ है। आप फिर यहाँ पे भी आपको एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको लड़ना है, फिर आके आपके खुद के इंडस्ट्री में भी वैसे लोग हैं जो आपके जो है अनुसार कम टाइम में जो है आपसे बेहतर कंटेंट बना लेंगे, एंटरटेन कर देंगे लोगों को, तो इससे कैसे निपटते हैं? मैं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो इंडस्ट्री है ये बिजनेस, मतलब बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस ओरिएंटेड होती है, तो जब तक इस इंडस्ट्री को लग रहा है कि असली लोग ही मेरा पैसा रिकवर करा सकते हैं तो ये लोग बनाएंगे, इसमें सारे बिजनेस मैन बैठे हुए हैं जो पैसा लगा रहा है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा रहा है और उसको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए लगाया एक फिल्म में और एक अश्लील करने वाला एक्टर है और वो मेरा 1.5 करोड़ का रिकवरी करा देगा, तब तक वो लगाएगा, ये बिजनेस का रूल है। अगर जिस दिन से ऐसा हुआ कि 1 करोड़ रुपया कोई लगाया और अश्लील करने वाला उसके साथ फिल्म किया, वो फिल्म 10 लाख रुपया कमाया, उसका लॉस हुआ, और नहीं अश्लील जो साफ सुथरा कर रहा है वो उसके साथ फिल्म किया और 2.5 करोड़ रुपया का बिजनेस कर दिया, तो उस दिन से वो भी चेंज हो जाएंगे, भी चेंज हो जाएंगे। तो सब कुछ पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक किसको, मतलब मोटा मोटी आप एक विजन लेके चल रहे हैं कि हमको एक अलग जो है ट्रैक बनाना है। मेरा यही विजन है कि मैं अश्लील मुक्त काम कर रहा हूँ, मैं फिल्म करूंगा, अभी इस साल ही फिल्म करूंगा, तो मेरा विजन यही रहेगा कि जो अश्लीलता नहीं चाहते हैं, जो साफ सुथरा काम चाहते हैं, तो वो मेरे सपोर्ट में आए, कम से कम एक बार जाके फिल्म को देखें, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो जो लोग बैठे हैं उनको पता चले कि साफ सुथरे वाले का भी स्कोप है यहाँ पे, उसके साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर उसी वही ट्रैक फिर आगे बढ़ने लगेगा इंडस्ट्री में। ये सब कुछ पब्लिक के हाथ में ही होता है, सब कुछ पब्लिक के हाथ में। तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप, तो आपकी बीवी दिखती है, आपकी पत्नी दिखती है, धर्म पत्नी जी वीडियो में? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ और
मेरे साथ जो काम करती हैं मतलब एक्टिंग करती हैं वो मेरी को एक्ट्रेस हैं। अच्छा, यानी आपकी शादी नहीं हुई है, वो जो दिखती है वो पत्नी नहीं है। चलिए, अब कोई फेमस डायलॉग आपने जो अपने वीडियो में उतारा हो जो आपके दिल के काफी करीब हो, जिससे लोग इंटरटेन हुए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया हो। देखिए, हम लोग में जैसे हम लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें डेली के बोलचाल के बारे में डायलॉग बाजी नहीं करते, बट ऐसे ही नॉर्मली जैसे का हो ढेर फुटानी ढही लेता है, ये हम लोग का ये फुटानी से लोग जो है रिलेट करते हैं फुटानी नॉर्मल बोलचाल के भाषा, तो ये भी अपने आप में एक ट्रिक है। ट्रिक है कि मतलब नॉर्मल लोगों से रिलेट कीजिए। हां, तो अब भोजपुरी पे आ जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में ही आप अपना भी फ्यूचर देख रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव वो बड़े कलाकार भोजपुरी के, हालांकि और भी है, सभी जो है प्रतिष्ठित कलाकार है, फेमस कलाकार है, लेकिन पवन सिंह कैसे कलाकार है ये आपको क्या लगता है? पवन सिंह, क्योंकि हमेशा पवन सिंह कुछ नया करते हैं, हमेशा लकीर खींचने की बात करते हैं, भोजपुरी में सनी लियोनी को लेके आ गए, तो सनी लियोनी को जो लेके आए भोजपुरी में वो अच्छा किए कि गलत किए, आपके नज़र में क्या है? देखिए, भोजपुरी में तो ऐसे अमिताभ बच्चन, मतलब आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने भी काम किया, तो ये मतलब किसी भी आर्टिस्ट का आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब भोजपुरी में, क्योंकि सबसे जो टॉप का था उसने तो काम कर दिया है। तो फिर ये तो इस पे रिएक्शन क्या होगा, मिंटुआ का रिएक्शन क्या है कि सनी लियोनी जब आई तो ये भोजपुरी, आपको अच्छा लगा है जब भोजपुरी क्रिएटर या आपको अच्छा नहीं लगा? दो ही चीज होती मुझे है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। आपको फर्क ही नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने गाना वो देखा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने देखा था, तो वो गाना हिंदी में है, तो वो भोजपुरी में नहीं, मतलब कुछ भोजपुरी में नहीं है, नहीं वो हिंदी का गाना था मैंने जहां तक देखा था, तो हिंदी का गाना। ऐसे कोई भी आए, उसका क्या प्रोफेशन था, क्या काम था पहले, उससे मतलब नहीं होना चाहिए किसी को भी। मेन है कि वो यहाँ और भोजपुरी में भी काम कर रहा है, तो काम का लेवल क्या है, कितना अच्छा है, कोई भी ला रहा हो और अच्छा काम करने के लिए ला रहा हो तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे कलाकार है पवन सिंह? पवन सिंह की मुझे गायकी अच्छी लगती है, मैं गाना सुनता हूं। गायकी अच्छी लगती है, मतलब साफ सुथरा जितना गाना है मैं सुनता हूं, साफ सुथरा वाला जितना काम है मैं उसका प्रोमोटर हूं, मैं कहीं भी कभी भी आता है मैं जाके कमेंट करता हूं, और मैं लोगों से भी कहता हूं कि सुनो देखो जो भी साफ सुथरा जो भी काम कर रहा है मैं उसका फैन हूं, मैं उसको मानता हूं, वो श्रेष्ठ है, बड़ा है। खेसारी लाल यादव के बारे में तो फिर मैं उनको नहीं देखता। खेसारी लाल यादव की चर्चा करें तब, खेसारी लाल यादव की मैंने फिल्म, खेसारी लाल यादव से मेरी बात भी हुई है, वो भी मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे भी मतलब उनका जो वो कॉमेडी वगैरह किए हैं पिक्चर्स में मुझे बहुत अच्छे, उनके गाने भी लोग टाइप कितने गाने भी किए हैं जो सास बहू पे गाने करते थे, अभी तो इधर उस टाइप के गाने नहीं मतलब आ रहे हैं। जैसे तो मिले तो आपने उनको बोला नहीं कि आप अश्लील जो है या फूहर शब्दों का प्रयोग आप मत कीजिए आप गानों में? मुझे बोल के मैं और बोल दूंगा कि आप ये है, ये बुरे हैं, ये काम अच्छा है आपका, ये ऐसा है, तो वो कभी मुझे अपने करके दिखाना होगा, मैं पहले दिखा दूंगा कि हाँ, तो वो खुद समझ जाएगा जिसको समझ, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सिर्फ बुरा करते हैं ऐसा नहीं है, नहीं बुरा करते हैं, बुरा आपके गाने का मतलब बुरा करते हैं, तो मतलब अश्लील गाने जो कर रहा है उसको मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि थोड़ा नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा गाना कीजिए और आपका लेवल बड़ा है, लेवल बड़ा जैसे आपका लेवल बड़ा है, जैसे आप जैसे उन लोगों से लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोगों को जैसे उनको एडमायर करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो वो जैसा करेंगे वैसा देख देख के छोटा सिंगर भी करेगा। अच्छा, देखिए दोनों जो है टॉप टू में मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, और जो सीनियर कलाकार है उन लोगों ने तो अपना लाइन उन लोगों ने अपना चेंज कर लिया है, तो ये दोनों जो टॉप पे कलाकार है उनमें से आपका फेवरेट कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? मुझे पवन सिंह के की गायकी बहुत अच्छी लगती है, खेसारी लाल की एक्टिंग वो भी कॉमेडी में बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आपने फेवरेट नहीं बताया, आपने घुमा के जवाब दिया। मेरा फेवरेट, मैं जिसको अपना दिल से मानता हूँ, वो गोविंदा है। गोविंदा वो तो हिंदी बॉलीवुड से आ गया, मतलब गोविंदा हुए, एम एस धोनी हुए, मतलब मैं थोड़ा व्यक्तित्व वाइज इन लोगों को ज्यादा नहीं समझ पाया हूँ, तो मुझे वो मतलब ये बुरे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनको फॉलो करता हूँ। रतन टाटा हुए। हीरोइन कौन फेवरेट है भोजपुरी की, क्योंकि भोजपुरी में ही काम करना है, आगे चल के फिल्म बनाना है, तो किसको हीरोइन रखिएगा, फेवरेट कौन है, या किससे आप कुछ सीखते हैं, या किसको देख के लगता है ना कि हाँ इनमें वो बात है जो भोजपुरी के लिए अच्छी बात है? देखिए, अगर एक्ट्रेस वाइज अगर देखा जाए तो मुझे सारी मतलब मैं ज्यादा देखा नहीं हूँ, पहली बात जिन जिन को देखा हूँ वो तो आपने देखा ही नहीं है भोजपुरी को, भोजपुरी में ही आपको काम करना है, तो देख के काम थोड़ी करना है मुझे, नहीं मुझे एक्टिंग करना आखिर कभी ना कभी भिड़ंत तो होगी, हो सकता है कि आपकी फिल्म आ रही है और सामने से अमरपाली दुबे की एक्टिंग अच्छी है, अक्षरा सिंह की एक्टिंग अच्छी है, अच्छी है, हाँ इन दोनों की मैंने फिल्में भी देखी है अच्छी, और मैं मिला भी हूँ, तो दोनों मुझे अच्छे लगे, अच्छे लगते हैं। और आगे आपका प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए अंत में, कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है? अभी मैं भी इस साल वेब सीरीज करूं, फिल्म भी करूं, और वही फिल्म में फिर वही मैं बोलूंगा कि अगर साफ सुथरी अच्छी फिल्म हो तो ऑडियंस का परम कर्तव्य है कि जाके देखे, तभी चेंज होगा।
चेंज होगा, देखना है। हाँ, देखने और बुरे चीज जहाँ देख रहे हैं वहाँ भी बताइए अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मत देख के उस पर रिएक्शन दीजिए अगर आपको बुरा लगता है तो, या फिर मत देखिए, देखिए ही मत। ये पूरा आप बोल रहे हैं पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जी से अगर आप गाना गवा लीजिए कहीं भी बड़े मंच पे, उनसे गाना गाने को बोलिएगा ना तो हम रहे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजा ले बारे, वो वही गाएंगे जो उनको पसंद है। बाई हार्ट पवन सिंह को भी अच्छे ही गाने पसंद है, उनके टॉप फाइव के लिस्ट में देखिएगा तो एक भी अश्लील गाना नहीं होगा जो उन्होंने गाया है। खेसारी लाल यादव के भी टॉप फाइव के लिस्ट में एक मजबूरी है ना भैया, बिजनेस ओरिएंटेड बात बन जाती है, बिजनेस में है ये है, तो ऑडियंस का भी परम कर्तव्य है कि आप अच्छे गानों को सुनिए और प्रमोट कीजिए। अच्छा, गाना और सॉन्ग इंडस्ट्री में भी आप आ चुके हैं, कितना गाना है आपका? मेरा चार गाना है। चार गाना आया, कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि मुझे अच्छा रहा, मैंने मतलब जितने लोगों के लिए बनाया था उतने लोगों ने सुना और मुझे अच्छा लगा। अगर एक आध गाना जो है आप सुना, अच्छा आप सबसे बड़ी बात है कि गाना जो आपका आया है आपने अभी बताया था कि सब आपने खुद लिखा था गाना? नहीं, मैंने एक गाना लिखा, एक गाना आपने खुद लिखा, यानी गाना आप लिखते भी हैं? हाँ, मैं लिखता हूं। तो जो गाना आपने लिखा है अगर उसका बोल सुना पाए तो? उसका बोल है ये, भगवान करे कि जिंदगी में तू जान बन के आ जाए, तू दिल के आसमाई सुना बा, तू चांद बन के छा जाए तू। वाह, बहुत अच्छा। लास्ट में, डर लगता है कि नहीं कि इंडस्ट्री में हमेशा जो है कंट्रोवर्सी होते रहता है? मैं कहीं आप किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ जाए? नहीं, पर भी जाऊंगा तो मैं भाई माफी मांग के निकल जाऊंगा, मुझे कंट्रोवर्सी से नाम नहीं बनाना है, मुझे अपना मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ही पड़े, बट अगर कभी गलती से पड़ भी गए तो मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा। आप लोग तो आप तो पहले आए हैं, आप जो है एक रास्ता बना रहे हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे जो मतलब लड़के आ रहे हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं या जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? अब देखिए, मेरा ही मतलब सिंपल रखिए, मैंने क्रिएटिंग किया स्टार्ट, साफ सुथरा काम किया, माँ के साथ स्टार्ट किया, साफ सुथरा चीज था। आज मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, मैं फिल्म में आ गया, और बहुत से लड़के हैं जो गंदे गाने पे बनाते हैं, लड़कियां हैं गंदे गाने पे, वो नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो साथ में पाएंगे। साथ में रोल क्या, वो तो वीडियो दिखा नहीं सकते दिखा हैं जो उन्होंने काम किया है कि ये काम किया है, तो हम लोग काम की वजह से ही लोग ऑफर करते हैं। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप अच्छा काम कीजिएगा और एक्टिंग के फील्ड में आना, आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग दिखाइए अपना। बिल्कुल, ये गाने पे ऐसे ऐसे नाच देने से तो फिर डांसर तो उसमें भी बेस्ट करके दिखाइए, आप उसमें भी आगे जा सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ मिंटुआ है, प्यार से इनको मिंटुआ सब लोग बोलते हैं, और काफ़ी इन्होंने जो है साहस दिखाया है, एक नए रास्ते का निर्माण करके उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है, और इन्होंने ये फैसला किया है कि हम नया रास्ता भी बनाएंगे, उस पर चलेंगे भी और दुनिया को दिखाएंगे भी। एक होता है एडवाइस देना और एक होता है करके दिखाना, तो इन्होंने चुना है कि हम करके भोजपुरी में कुछ बेहतरीन और दिखाएंगे और तब हमारे पीछे आ पाइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा। बहुत धन्यवाद।